से शादी कर रहे हैं तो अंदर से एक्साइटमेंट ज़्यादा होगा कि मतलब कितना जल्दी मेरा शादी हो जाए बस नहीं ना। तो बगल में भाभी जी है। अरे निकल गई या भौजी, अरे निकल गई या भौजी गोरे गोरे। आगे देखिए इनोवा गपा घप लपा लप कर रहा है, देख सकते हैं आप। बेचारा का जान निकल गया है, बकायदा है 10 आदमी बैठ गया है इसमें, 4-5 आदमी का बेचारा का दमे है, बेचारा का गान लप लप कर रहा है इनोवा का। तो चलिए दिखाते हैं आपको इनोवा का क्या हाल होता है, चलते चलते दिखाएंगे, बने रहे। मतलब बराती का एंजॉय। तो बुआ तुम लोग क्या खाओगे बराती में? बैगन। तो सब रूम में बैठाने का देख सकते हैं आप, देखिए आपके टायर का क्या हाल हुआ है, ओवरलोड के चक्कर में लगे लिए इनका तैयार है, खा के घूमते रहेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज फिर से हम लोग जा रहे हैं उज्जैना, और उज्जैना से बारात जाएगा वो बता दूंगा आप लोगों को। और मेरे साथ ये है, नाम प्रिंस क्या हुआ? कुमार दास। इसका नाम है प्रिंस। तो अभी हम लोग चलते हैं और वहाँ पे जाके आपको बताएंगे क्या कैसे है, नहीं आप लोग देखिए वीडियो को। तो चलिए चलते हैं। फाइनली यहाँ पे आ गए हैं, मतलब बेलगांव में आए हैं। बोला था उज्जैन आने के लिए, लेकिन अभी फिर से बात की है तो बोला है बेलगांव आने के लिए। तो अभी फिलहाल बेलगांव में पहुँच गए हैं, अपना जैकेट वैकेट खोल के बैग में रख लेते हैं क्योंकि अभी ठंडा नहीं है, रात में पहनेंगे। और काम तो अभी शुरू है, दिखाते हैं आपको, पहले कपड़ा उपड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हल्दी का रस्म हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं अभी हल्दी हो रहा है। आगे का वीडियो भी आप लोगों को दिखाते रहेंगे, ब्लॉग में बने रहें। तो आज हम लोग 3 आदमी जाने वाले हैं और एक ये मिले हैं, क्या नाम है आपका? तो इनका नाम रोशन कुमार है, रोशन प्रिंस। और मैं मतलब 3 आदमी जाएंगे आज, अभी हल्दी का रस्म हो रहा था तो आपको दिखाते रहेंगे यहाँ पे कैसा शादी होगा। और हम लोग आज रात में कैसे काम करते हैं वो आज आप लोगों को दिखाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहें, वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा वीडियो, बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भाई साहब आप लोग यहाँ पे इंजॉय ले सकते हैं, वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे ट्रॉली पे जो डांस हो रहा है आप लोग वो देखिए, इंजॉय कीजिए, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ पे ट्रॉली पे लड़की आई हुई है डांस करने के लिए, इसके चक्कर में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, आपको दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। बेलगांव में आए हुए हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पे भीड़ है। ये जो लड़का है उनसे बात करते हैं कुछ। तो क्या नाम हुआ आपका? दिग्विजय कुमार। तो इनका नाम दिग्विजय कुमार है। तो सर मतलब जो शादी उदी होता है तो आपका भी मतलब दिल में कैसा हो रहा अभी? दिल में कैसा हो रहा? हाँ बताइए, मतलब दिल में कुछ फीलिंग निकल रहा होगा ना कि हाँ मतलब आज शादी हो रहा है, ये होगा वो होगा कुछ हो रहे।
मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। आपसे शादी कर रहे हैं तो अंदर से एक्साइटमेंट ज़्यादा होगा कि मतलब कितना जल्दी मेरा शादी हो जाए। नहीं ना तो बगल में भाभी जी हैं। अरे निकल गई अब भौजी, और निकल गई अब भौजी गोरे गोरे, देख सकते हैं आप। तो चलिए आगे का सीन आप लोगों को दिखाते हैं। फाइनली मंदिर में आए हुए हैं। मंदिर में यहाँ पे जो पूजा हुआ होगा, तो यहाँ पे पूजा होगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पे यही मंदिर है जहाँ पे पूजा होगा। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है भाई साहब, भीड़ देखिए, भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही होगी। तो ये जो मंदिर है आप जो देख रहे हैं, ये मंदिर लगभग 20-30 साल पहले, ये जो जितने मतलब पत्थर दिख रहा है आपको, ये सब ऐसे ही मिट्टी से निकला हुआ है अपने आप। उसके बाद यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। बहुत बढ़िया मंदिर है, बहुत पुराना भी है। सोचे आप लोग को बता देते हैं, बेलगांव में ये मंदिर है। तो शाम का 5:20 हो रहा है। अभी यहाँ का मंदिर का जो पूजा उजा करना था वो पूरा हो गया है। अब हम लोग निकल रहे हैं घर। अब वहाँ पे जो काम होगा देखते हैं। तो चलिए वहाँ पे मिलेंगे अब। ये आम महुआ का हो रहा है यहाँ पे। रौशन जी अभी नहीं है, बैठे हुए हैं वो ड्रोन लेके। अभी मैं और ये दोनों आदमी है यहाँ पे। बारात निकल गया है। अब हम लोग भी जाने का तैयारी करेंगे, अपना कैमरा वैमरा पैक करेंगे और निकलेंगे। देखते हैं रास्ता में क्या होता है नहीं होता है, तो आप लोग को दिखाएंगे। कहीं तो डायरेक्ट वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे बारात जा रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अभी यहाँ से निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। और देखिए क्या होता है आगे, देखिए इनोवा गपा घोप लपा लोप कर रहा है, देख सकते हैं। बेचारा का जान निकल गया है। बकायदा है 10 आदमी बैठ गया है इसमें, 4-5 आदमी का बेचारा का दमे है। बेचारा का गान लप लप कर रहा है इनोवा का। तो चलिए दिखाते हैं आपको इनोवा का क्या हाल होता है, चलते चलते दिखाएंगे। बने रहे वीडियो में। हाँ जी ना, के नाम से थी वाह। देखिए इस लड़का का चेहरा कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप। ये जो हंसता है ना तो दिल का सीना कलेजा गुर्दा फेफड़ा लीवर टॉनिक सब फाड़ फूट रहा है। तो सब मतलब बराती का एंजॉय। तो बुआ तुम लोग क्या खाओगे बराती में? आई बैगन। साहब आपको बता रहे थे कि इनोवा पंचर हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा।
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनोवा का जो है चक्का वो पंचर हो गया है, क्योंकि इस गाड़ी में जो है ओवरलोड आदमी बैठे हुआ है घुस घुस के। देख सकते हैं आप, ये बेचारा का हवा पास हो गया यहाँ पे, देखिए ख़त्म हो गया। ये नतीजा है ओवर आदमी बैठाने का, देख सकते हैं आप। देखिए आपके टायर का क्या हाल हुआ है ओवरलोड के चक्कर में। तो अभी हम लोग यहाँ पे लार बांध के पास रुके हुए हैं। यहाँ पे गुटखा उटका जो बीड़ी सिगरेट जो होता है जो लोग पीते हैं, मैं नहीं पीता हूँ। तो ये जो है कोई फूक फाक मार रहा है, हम नहीं मार रहे हैं। यहाँ पे पानी पियेंगे, पानी वाटर वाटर तो वही है बस। आप लोग इनोवा को तो देखे हैं, हम पहले बोल दिए थे कि इनोवा चलेगा नहीं, बेचारा पंचर हो गया। वो बोल रहा था कि कल टायर क्यों लगाए हैं, फट गया। लार बैठाएगा 10-15 को तो वही ना होगा। तो चलिए मिलते हैं आगे, कुछ और हो जाएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे, बने रहे वीडियो में लास्ट। तो फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये जो गांव है टीकापट्टी में पहुँचे हुए हैं और बैग ले रहे हैं अभी। अब हम लोग अपना ड्यूटी में लगेंगे, देखिए रात में क्या होता है, कांड होगा रात, कांड पक्का। तो बैग निकल चुका है, राहुल जी बैग ले लिए हैं, ये शायद मेरा ही है। तो चलिए मिलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको पंडाल आदि का, बहुत बढ़िया बना हुआ है। देखते हैं आप यहाँ का जो इंटरफेस है इस पंडाल का, बहुत बेहतरीन बनाया गया है। आप लोग देखिए बहुत बढ़िया है ये। और ये इधर हाथी है कपड़ा का, नीचे में पंप लगा हुआ है, ठूस ठूस के इसमें हवा भर दिया गया है। देखिए आप, वैसे व्यवस्था बहुत बढ़िया है। देखिए इस पंडाल का नज़ारा, क्या टीका पट्टी वालों ने क्या कमाल का काम किया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। ये मूविंग स्टेज है जो इस पे जयमाला होगा, देखिए बहुत बढ़िया है। और इधर महाराजा जो कुर्सी होता है वही है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अपना हथियार निकालूंगा, हथियार बोले तो DSLR, जिससे मैं काम करूंगा सारी रात, वो भी नींद मार के आँख मार के काम करेंगे भर रात। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहे, भी आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया डेकोरेशन है यहाँ पे। और वहाँ पे तो दिखा दिए हैं टेंट कैसा बना हुआ है, ये है अगना जाने वाला जो है रास्ता, उसी पे ये बनाया गया है, बहुत बढ़िया है। देखिए अब यहाँ पे जयमाला का जो रस्म है होगा, अभी रौशन को देख सकते हैं आप, ड्रोन फ्लाई कर रहा है अभी। देखिए आप, अब यहाँ पे जयमाला होगा, उसके बाद जो होगा होगा। टाइम कितना हो रहा है? टाइम लगभग 12:30 हो गया है, बट ठीक ठाक टाइम है, टाइम बढ़िया है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। अब देखिए शादी कितने बजे ख़त्म होगा, वो आप लोग वीडियो में देखते रहें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए आगे मिलते हैं। जयमाला हो गया है और हम लोग अभी आंगन में मतलब जा रहे हैं, अब जो काम होगा वही आंगन में होगा। और अभी यहाँ पे हैं, जा रहे हैं घर में, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ विद्युत हो रहा है। तो चलिए आंगन में देखते हैं क्या हो रहा है अभी। तो फाइनली 3 बज चुका है और 3 बजे जो है सभी मतलब खाना खा के जा रहे हैं फिर से। तो ये वीडियोग्राफर का शादी उदी में जो होता है ये काम करना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगता है भाई साहब, लगभग 14-15 घंटा यहाँ पे काम करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है नींद को बर्दाश्त करना, सारी रात आपको ऐसे ही जग के रहना पड़ता है। काम वही कर सकता है इसमें जो खाना और नींद दोनों पे काबू रख सके। बस क्या बताएं आपको, बस ऐसे ही चल रहा है अपना ज़िंदगी। तो चलिए चलते हैं आगे। ये घर है जहाँ पे आए हुए हैं हम लोग, और ऊपर छत पे ऊपर में मरवा है, ऊपर में शादी हो रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं ऊपर में जो हो रहा है। अभी यहाँ धनकुट्टी का रस्म हो रहा है,
ठाकुर देख सकते हैं कि ठाकुर जी धागा से बांध रहे हैं। यहाँ का जो ठाकुर है कुछ मतलब लूज मोशन वाला ठाकुर है। अब यहाँ पे धानकुट्टी होगा, कुछ लोग जो है सो कुटेंगे और कुछ लोग उसको रोकेंगे, मतलब कुछ लोग ऊपर मूसर को जो है सो ऊपर करके रखेंगे और कुछ लोग नीचे धान कूटने का प्रयास करेंगे। देखिए ये ठाकुर जी, ये ठाकुर जी है। इस ठाकुर में दम नहीं है, जो पहली वीडियो में आपको दिखाए थे वो दमदार ठाकुर है, लेकिन ये ठाकुर जो है बहुत कमजोर है भाई साहब, बड़ा कमजोर लेग पीस है इसका। फाइनली शादी खत्म हो चुका है और हम लोग अब निकल रहे हैं। देख सकते हैं आप उनका जो पानी किलो का मोटली है, उनका तैयार है, खाके घूमते रहेंगे। ठीक है, मोटली मिला है, देख रहे हैं कैसे संभाले हुए हैं, ऐसे संभाल के रखिएगा। तो रोशन और ये शंभु, शिव शंभु। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर बढ़िया लगे भाई साहब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।